हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल क्यूट फैमिली में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज की सबसे पहले शुरुआत मैं कर रही हूँ अपनी बेटी से। देखिए, ये आज आई है अपने नानी के घर और ये अभी यहाँ पानी के साथ खेल रही है। मैंने यहाँ पे पानी भर के रखा हुआ था कि मैं कपड़े धोऊंगी, और ये मैडम नीचे उतर कर आकर खुद पानी से खेल रही है, क्योंकि इसको पानी से खेलना बहुत पसंद है। आज संडे है और हम यहाँ पे आए हैं कुछ खास काम से। मम्मी का तबीयत बहुत दिन से ख़राब चल रहा था तो मैं मिलने नहीं आ पा रही थी। आज संडे था और इनका भी छुट्टी था तो चले सोचे कि चलो मिलकर आ लेते हैं। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और हम सभी लोग अभी छत पे आकर बैठे हुए हैं। थोड़ा हवा, ठंडा ठंडा हवा चलता है शाम को तो अच्छा लगता है। तो देखिए, कुहू अपने पापा के गोद में है, खेल रही है। अभी हमारा घर नया नया बना है तो रेलिंग नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से कुहू को ज़्यादा नीचे हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं और उसे नीचे ही खेलना है। और गोद में बिल्कुल भी नहीं रह रही है। और ये देखिए हमारे घर के पीछे का नज़ारा बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी हरा भरा बरसात का मौसम अभी चल ही रहा है, ख़त्म तो नहीं बोलेंगे क्योंकि बारिश अभी भी हो ही रही है बीच बीच में। तो अभी ये अरहर का खेत है और इसमें अरहर लगे हुए हैं, बीच बीच में कहीं कहीं धान का पौधा भी है। और हम लोग यहाँ पे खेल भी रहे हैं कुहू के साथ में। ये बिल्कुल भी ऊपर किसी के गोद में आना नहीं चाह रही है, बस दौड़ रही है नीचे और इतना परेशान कर रही है। देखिए कि मतलब हम चार पांच लोग हैं और हम चार पांच लोग को ही अकेले थका कर रखी हुई है। बार बार दौड़ रही है, बार बार दौड़ रही है, किनारे पे चले जा रही है। अभी रेलिंग नहीं है ना तो डर सा लग रहा है, कहीं गई तो किनारे पे ना चले जाए, गिरने का डर है। बच्चा है, इसको तो भी कुछ समझ में आया नहीं। देखिए कैसे कैसे अपना फेस बना रही है, कैसे दौड़ दौड़ के बार बार कभी ये पकड़ रहे हैं। वो दो जो बच्चे हैं वो मेरे छोटे वाले चाचा के बच्चे हैं, तो उन लोग को इसके साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं यहाँ कुहू को लेकर आती हूँ तो वो लोग इसी में लगे रहते हैं। तो देखिए उन्हीं लोग संभाल रहे हैं अभी इस। कुहू की शैतानियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी, हम लोग तो थक चुके थे इसके पीछे भाग भाग कर। अब इसीलिए मैंने सोचा कि बगल में ही चाचा का भी छत है, मेरे ही छत से सटे हुए, तो उनके छत पे रेलिंग है तो सोचा वहीं पे उसको भेज दो। और देखिए हमने वहाँ पे इसे भेजा और इसे यहाँ तुलसी का चबूतरा मिल गया। बार बार प्रणाम किए जा रही है, बार बार प्रणाम कर रही है। तो चलो अच्छा है, लगी रहेगी तो हमको भी थोड़ा आराम मिलेगा। तो देखिए शाम के अभी 5 बज रहे हैं और ढलते हुए सूर्य देव कितनी खूबसूरत दिखने में लग रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और ये हमारे घर के पीछे का नज़ारा है, ये भी बहुत अच्छा इधर भी लगता है। अभी हम इधर जाएंगे घूमने को, तो चलिए चलते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। आए तो थे बहुत शौक से घूमने, पर देखिए अभी मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, बादल बिल्कुल घिरा हुआ है और बिजली भी चमक रही है। तो यहाँ पे रुकना अभी ठीक नहीं होगा, अभी हम सोच रहे हैं कि घर चले जाएं। घूमना तो लगा ही रहेगा, कभी और आएंगे तो आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छा खूबसूरत सा नज़ारा है इधर का, और इधर ही अमानत नदी भी है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में, पर क्या कर सकते हैं, अभी तो घर जाना पड़ेगा। Thank you.
फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और अब हम चलते हैं घर, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है तो ज़्यादा टाइम रुकेंगे नहीं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।